भैया ने इतना अच्छा वर्णन दिया, आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किस काम के आदमी हैं। तो सीधे सीधे जोड़ने का प्रयास करता हूँ, हंसाने का काम करता हूँ, फंसाने का समय निकल चुका है। कल बिल्कुल सही बता रहे हैं, हम झूठ नहीं, देखो बोल रहा है परसों, हमने तो खाली कहा था ताकि जो सच करते हैं वो बोले, ये देखो बोले। तो सीधे सीधे चार लाइनों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। पहली चार लाइनें माँ के चरणों में रखता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनेगा कि कुछ लोग मुझे मेरा किरदार बताते हैं, कुछ लोग मुझे मेरा किरदार बताते हैं, दुश्मन भी हमें अपना अब यार बताते हैं, दुश्मन भी हमें अपना अब यार बताते हैं। कल तक जो लोग हमें बेवकूफ बताते थे, कल तक जो लोग हमें बेवकूफ बताते थे, वो लोग हमें अब तो होशियार बताते हैं। आपकी तालियां कम है, एक बार तालियां बजा के बता दीजिए कि कार्यक्रम ठीक ठाक है, क्योंकि जो खाली कुर्सी उनका भी दायित्व आप लोगों के ऊपर है। होशियार आदमी के लिए आप लोग तालियां बजाते रहिए। देखो दादा भी बता रहे हम कितने होशियार हैं। अभी जब दादा मंच पे आए तो भैया ने कहा कि देश के बड़े कवि हैं। दादा बड़े कवि भी हैं, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये देश के भारी कवि भी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हिमांशु, बहुत बता रहे हैं हम, एकदम झूठ बोलते ही नहीं। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब एंटी रोमियो स्कॉट चालू हुआ। योगी जी ने सबसे पहला जो काम किया, मेरी चार लाइन है, भाजपा की सरकार और योगी जी का पहला काम, सुनेगा कि वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते। बहुत बढ़िया, बस ऐसे सुनिए और ये जो ताक है इसको एक बार ऐसे करिए, ऐसे करिए और ऐसे ऐसे करते रहिए, पूरा आनंद दूंगा। 1 2 3 4 बस ताल बजा लीजिए आप, मैं शुरू हो जाऊंगा। ऐसे नहीं, ताल के साथ 1 2 3 4 बस ऐसे बजाने कि वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहां जाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहां जाने नहीं देते, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने। आप लोग की टाइमिंग खराब है, टाइमिंग ठीक करो। सही बता रहे हैं आप लोग, नया सेल लगवाइए, नया सेल एवरेटी का, ज्यादा दिन चलेगा, टाइमिंग ठीक हो जाएगी। देखो दादा को बड़ा तजुर्बा, दादा वही लगवा के आए हैं कि वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहां जाने नहीं देते, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते, नहीं देते। और चार लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। अभी जब एंटी रोमियो स्कॉट और ये भी वैलेंटाइन वीक चल रहा था तो इसमें घटना घटित हुई। मैं हजरतगंज चौराहे से 1090 चौराहे पर जा रहा था, वहां पे एक प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए थे और लखनऊ जो लड़का था वो लखनऊ का था, लखनऊ के लड़के कभी नहीं फंसते, तो वहां पे प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए थे, एलयू में भी पड़ा हुआ था पता चला मुझे, तो एलयू वाले लखनऊ वाले कभी कहीं नहीं फंसते। तो जो प्रेमी प्रेमिका हजरतगंज चौराहे पे बैठे हुए थे वो दोनों बात कर रहे थे, तत्काल उसके पिताजी वहां से गुजरे, तब जो घटना घटी थी मैं चार लाइनों में आपके बीच रखता हूँ, सुनेगा। स्वागत है। लड़की ने कहा, हमसे मिलते आते जाते रहना तुम, हमसे मिलते आते जाते रहना तुम, हमसे मिलते आते जाते रहना तुम, हरदम अपना हाल बताते रहना तुम, हरदम अपना हाल बताते रहना तुम, पापा मम्मी देख मिले जब बाबू, पापा मम्मी देख मिले जब सोना, भैया 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 कहती रहना तुम, भैया भैया रहना तुम। और इसी लाइन को पलट दो अगर लड़के वाले देख लें, बहना 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 कहते रहना तुम, बहना 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 कहते रहना तुम। काफी उपचार बता रहे हो। हम दादा बहुत चीजें तजुर्बे के साथ पेश करते हैं, और जिसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है तब लड़का क्या करता कि लड़का इश्क के चक्कर में सब भूला था, लड़का इश्क के चक्कर में सब भूला था, लड़की सुंदर थी तो थोड़ा फूला था, लड़की सुंदर थी तो थोड़ा फूला था, बाबू को तो खूब खिलाया था पिज्जा, सोना को तो खूब खिलाया था पिज्जा,
बाबू के पापा ने सभी वसूला था, बाबू के पापा सभी वसूला था। और अभी दादा वैलेंटाइन वीक जब खत्म हुआ तो पापा ने मुझसे सैलरी का बजट सुना। कहा बेटा आपकी सैलरी कितनी है, नौकरी तो 2 साल से कर रहे हो। मैंने कहा हाँ पिताजी अभी बताता हूँ आपको। तब मैंने 4 लाइनें लिखी, निवेदन करता हूँ सुनेगा। पहले कुछ और 4 लाइनें याद आ गई वो सुना देता हूँ कि इतिहास बनाने में पसीना निकल गया, इतिहास बनाने में पसीना निकल गया, खुद से मिले दिन और महीना निकल गया, खुद से मिले दिन और महीना निकल गया। हम जब से बुलंदी पे पहुंच गए हैं जाने मन, हम जब से बुलंदी पे पहुंच गए हैं जाने मन, कुछ लोग कहते हैं ये कमीना निकल, क्या बात है क्या बात है, वाह, कहते हैं ये कमीना निकल गया। लेकिन वो लोग सही जानते हैं इसका मतलब आपके बारे में? हाँ दादा जानते तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छे से जान जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं और 4 लाइनें निवेदन करता हूँ। स्वागत है। आजकल फेसबुक का जमाना है, कोई भी कार्यक्रम हो तो उसका प्रचार प्रसार और फेसबुक का जमाना है। निवेदन करता हूँ सुनेगा। नजरे करम इनायत वो चंद कर रहे हैं, आजकल तो महंगी महंगी गाड़ियां भी चोरी हो जा रही हैं। अरे भैया पूछो ना, साहित्यकार की कार चोरी हो गई, साहित्य बच गया। देश के बड़े साहित्यकार की कार चोरी हो गई, साहित्य बच गया। आज जब मैंने सुबह ट्विटर पर देखा, मैंने कहा कुमार भैया की कार चोरी हो गई। और अक्सर कुमार भैया कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां प्रेम में केवल थ्योरी की क्लास चलती है, प्रैक्टिकल की क्लास नहीं चलती। भैया नहीं, उन्होंने नहीं लिया था ना। अच्छा आपने लिया है। दादा के पास सारे तजुर्बे हैं, तो प्रैक्टिकल जो लोग सरकारी कॉलेज से पढ़े हुए हैं वो प्रैक्टिकल की भी चलती है। उनकी जब उम्र थी तब वो गन्ना चूस रहे थे अन्ना जी के साथ। तो जब सरकारी कॉलेज में पढ़े हो वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए जो चीजें होती हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, सुनेगा कि उसमें क्या होता है। हिंदुस्तान में प्रैक्टिकल की क्लास बहुत कम चलती है, थ्योरी की ज्यादा चलती है। तो यही हाल हमारे विश्वविद्यालय गलत कह रहा हूँ, जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं उनका यही हाल, इंटर कॉलेजों का यही हाल है। वहाँ पे प्रैक्टिकल की क्लासेस में यही होता है कि हमसे फिजिक्स के प्रोफेसर ने पूछा भैया कि बेटे बताओ फिजिक्स का प्रैक्टिकल करोगे? हमने कहा गुरु जी जब करवाएंगे तभी तो करेंगे, आज तक लैब में ले ही नहीं गए। तो कह रहे 2000 रुपये दे दो कर हम देंगे, देख तुम लेना। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां भाई, एक बार माहौल बनाइए हिमांशु जी के लिए, बहुत अच्छा। दादा 2000 रुपए भी ले लिए और नंबर भी 28 थे, 2 काट लिए, उसकी वजह से 70% रुक गया, वरना सिलेक्शन कहीं और हो जाता मेरा। क्या बात है, वाह। तो मैं 4 लाइनें निवेदन करता हूँ सुनिएगा। ये लाइनें मैंने उन्हीं लोगों के लिए लिखी हैं जो अच्छे टीचर्स हैं, जो बच्चों से पैसा लेते हैं उन्हीं के लिए मैंने लिखी थी। स्वागत है मैं शुक्र हूँ। सही, उसमें हंसने वाली क्या बात है, हमने दिया दर्द ही गाएंगे क्या हम अपना? तुम अपना दर्द सुनाने आए, कोई मजाक बात थोड़ी है। तो मैं 4 लाइनें निवेदन करता हूँ सुनेगा। उसमें गुरु जी ने क्या कहा, और आजकल बाबाओं का जमाना है तो बाबा और टीचर को ध्यान में रख के निवेदन करता हूँ सुनेगा। वाह वाह इतने होगी कि मैं बाबा बोल गया, मुझे सुनाना क्या था। मैं 4 लाइनें निवेदन करता हूँ सुनेगा। अन्याय मेरे संग हो अब घोर कर रही है, वहा करो ना लड़को, अन्याय मेरे संग हो अब घोर कर रही है, बातें उसे हमारी अब बोर कर रही है, कल तक जिसे हमारी बातों से नींद आती, कल तक जिसे हमारी बातों से नींद आती, वो लड़की अब हमें भी इग्नोर कर रही है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह।